आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि इस मशीन को हमने शुरू से लेकर अब तक बनाने में कितना मेहनत किया है, किस किस तरीके से बनाया है, वही चीज़ आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए, कहीं मत जाइए। जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको कि प्लेन मशीन को आप काट करके अपने घर पर ही उसको पिक एंड पिक मशीन बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है तो नो प्रॉब्लम, आप घर पे ही अपने से प्लेन मशीन को पिक एंड पिक बना सकते हैं। प्लेन मशीन का मतलब जैसे 1/2 की मशीन होती है, 1/4 की मशीन होती है, जिसमें एक तरफ लकड़ी का पेटी और दूसरी तरफ लोहे का पेटी होता है, या दो पेटी होता है, या चार पेटी होता है, गियर बक्सा, हाफ गियर बक्सा होता है या फुल गियर बक्सा होता है, उसी को कहते हैं प्लेन मशीन या लच्छा वाली मशीन। तो चलिए इसको हम काट करके आपको दिखाएंगे हत्था कैसे काटना है। सबसे मुश्किल काम यही होता है कि हत्था कितने पे काटें, कैसे नाप करें उसकी। तो ये दोस्तों हमारे हाथ में अब ये इंची टेप है, इस मेजर टेप से नाप लेंगे। देखिए, एक बाइंडर से, इधर के बाइंडर से और उधर बाएँ तरफ के बाइंडर से, दोनों के बीच की जो दूरी होती है वह लगभग 54 इंच के करीब है या इससे कुछ ज़्यादा है। तो 54 का आधा 27 इंची हम पकड़ लेंगे आधा, तो आधे पर जो है कि हमारा पंजा वाला जो है जगह कटेगा लकड़ी में, उसको काटना पड़ेगा पंजा वाला जगह, जहाँ पर जो कि पंजे का कांटा चलता है। इसको हम ऑलरेडी काट चुके हैं, लेकिन जानकारी के लिए आपको इतना दिखा देना, बता देना यह है ज़रूरी है। ये देखिए 54 इंच का आधा हो गया। इधर देखिए ये 27 इंच पे बिल्कुल हमने निशान लगा करके ये पंजे वाला जगह पहले काट लिया, इतना हो गया अब आपका। जब आपने इतना कर लिया तो सारा टेंशन ख़त्म भाइयों। हाँ, एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, अगर इन सब फिटिंग वाली जगहों को काटना हो, फिट करना हो, तो इनको mm में नाप लीजिए। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं बाइंडर का ये वाला हिस्सा 112 mm है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। तो यहाँ 11 सेंटीमीटर बराबर 110 सेंटीमीटर, 10 mm और उसके बाद 2 mm और ज़्यादा है, तो 112 mm है हमारा। तो उसी के बराबर नाप करके ये लकड़ी को भी हमने काटना शुरू कर दिया है, हत्थे को। जो इधर ये सिंगल पेटी है, सिंगल पेटी की तरफ आपको उस बाइंडर से 110 mm 12 mm जो भी मिलता है आपको, जो आप बाइंडर लगाएंगे उतना नाप करके लकड़ी उतना काट लीजिए। ये देखिए 112 mm जितना बाइंडर की चौड़ाई थी उतना ही जगह हमने इधर लकड़ी में नाप करके इसको काटना शुरू कर दिया है, देख रहे हैं ना। इन सब जगहों की जितना बारीक मसला है, देखिए कहने का मतलब जितना बारीक मामला है उतना बारीकी से आप इसका मेजरमेंट कीजिए, आप इसको mm में मापिए, तो और भी बेहतर काम होगा और शुद्ध काम होगा आपका। तो चलिए सबसे पहले इसको काट लेते हैं। ये लकड़ी है और नीचे चैनल है, इसलिए इसको काटने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, फिर भी इसको हम हेक्सा ब्लेड के माध्यम से ही इसको काटेंगे। ये देखिए कट रहा है, अपना हेक्सा ब्लेड बहुत अच्छा है, नया हेक्सा ब्लेड लेके आए थे जिसका यूज हम कर रहे हैं इसको काटने के लिए। लकड़ी और लोहा दोनों काटने के लिए काम में आ जाता है ये। चलिए बस कटने ही वाला है साथियों, चलो चलो चलो। ये लो, ये अब कट गया भाइयों। तो चलो अब हमारा बाइंडर का हिस्सा, इधर का जो लकड़ी वाला हिस्सा था उसको हमने काट लिया है। अब आइए देखते हैं इसकी पोजीशन क्या है।
ये देखिए बहुत ही बढ़िया, एकदम स्मूथली, एकदम सफाई से कटिंग हुई है। नीचे चैनल है, ऊपर लकड़ी है। ये सेंसर वायर है जो कि अब रिजेक्ट हो गया है, काम नहीं करता है। ये बनारस में एक्चुअली ये नहीं चलता है सेंसर, ये बाहर चलता है, सूरत, बॉम्बे, चेन्नई वगैरह जगहों पर ये सब सेंसर चलते हैं, हमारे यहाँ नहीं चलता है। तो ये कटा हुआ हिस्सा, इसको चलिए साइड में कर लेते हैं। अब काम आ गया बाइंडर को कसने का, अब बाइंडर फिट करना है हमें। चलिए इसको फटाफट फिट कर लिए हम। अब ये देखिए, इसको ऐसे ही नॉर्मली आप लगा करके हल्का सा टाइट करके छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको अभी इधर पाटे का जो है कि निशान लगा करके होल्स करवाने हैं जाके खरादिया के यहाँ। अब चलिए ये पाटा लगा करके पहले निशान मार लेते हैं आपको, क्योंकि इसी पाटे में पंजाबी ज्वाइंट रहता है और ये इस तरह से पाटा इसमें फिट होगा कि सी पट्टी का बोल्ट कहाँ पर टाइट करना है, कहाँ सी पट्टी लगेगा, उन सब चीज़ों की जो है कि निशान हमें लगानी है। इसको पाटे को इस तरीके से इसमें मिला लीजिए पहले, फिर जो भी नट बोल्ट टाइट कर ते बने आपसे आप कर लीजिए। इधर देखिए दो बोल्ट जगह दिए गए हैं, उसमें ऊपर जो है कि ब्रैकेट कसने के लिए सलाई वाला जिसमें सरिया लगता है 300 का। और ये देखिए यहाँ पर जो पट्टी लगी थी लोखंड की, कास्ट आयरन की, हमने उसे निकाल दिया है। यहाँ पर दूसरा कोई फाइबर पट्टी एडजस्ट करेंगे या तो फिर उसी को काट करके लगा देंगे हम, नो प्रॉब्लम। इस तरीके से पहले आप इतना फिट कर लीजिए। हाँ, जो भी चीज़ें फिट करें उसको mm में नाप माप करके ही फिट करें। जैसे एक तरफ का हिस्सा कितना mm है तो दूसरे तरफ का भी उतना mm आपको रखना है। इससे आपके काम को बेहतरीन शुद्धता मिलेगी और अच्छे से आपका काम चल पाएगा। ये वाला जो हिस्सा आप इसको पीछे भी खिसका के लगा सकते हैं, जगह है आप में, आपके मशीन में भी, जहाँ तक लकड़ी है यहाँ तक इसको कर सकते हैं। इसमें देखिए होल्स में जगह दिए गए हैं एडजस्ट करने के लिए, लंबे लंबे गाले काटे जाते हैं एडजस्टमेंट करने के लिए। यहाँ पर ऐसे ठोकर रहेगा, खेलने के लिए उसको जगह अच्छे तरीके से मिलना चाहिए। अब यहाँ देखिए पीछे जो जगह छूट गया है उसमें कोई लकड़ी वगैरह डाल करके अपना फिट कर लेंगे। चलिए दिखाते हैं आपको। इस बाइंडर से इस पाटे के बीच की दूरी देखिए 75 mm है। इधर का अंदर वाला हिस्सा का 75 mm हो गया और इधर भी आपको उतना ही रखना है। तो देख लीजिए ये भी 75 mm इधर भी है, बिल्कुल ओके है, करेक्ट है। और जो ये पीछे जगह छूटता है इसको टाइट करने के लिए उसमें कुछ लगा देंगे सपोर्ट के तौर पे, लकड़ी वगैरह कुछ लगा करके इसको इसी पर टाइट कर लेना है। अभी आपको ये बिल्कुल हल्के में टाइट करना, अभी फाइनली ओके नहीं कर रहे हैं हम इसको। और यहाँ देखिए हमने पंजा का जो है निशान लगा लिया है होल कराने के लिए, पंजा को बीच में रख के काटा, इसको जो गड्ढे में कटा है गड्ढा, इसको बीच में रख के पंजा का निशान हो गया। और इधर ये पाटे वाला निशान और होल्स आपको जो है कि बिल्कुल सेंटर में कराने हैं, ताकि दोनों तरफ आपको खिसकाने का मौका मिल जाए, एडजस्ट करने के लिए मौका मिल सके, इसलिए होल्स को बीच में रखना है। और देखिए यहाँ बाइंडर में दो होल कराने हैं जो कि ये जाके उसमें फिट हो जाएगा, कसा जाएगा। हाँ, तो अब मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, चैनल में, हत्था वाले चैनल में मतलब, और पाटे में सारा छेद करा करके होल्स को करवा करके अब हम आ चुके हैं। अब इसको चलिए पहले हत्थे को फिट करके दिखाते हैं आपको। इतना सारा कुछ करने के लिए देखिए बहुत ज़्यादा बारीकी की ज़रूरत नहीं है,
अगर आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है तो भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, ध्यान इतना देना है, अगर आप जानते हैं मेजरमेंट करना, जानते हैं सेंटीमीटर, इंच और एमएम क्या होते हैं, तो इनको आप बेहतर हो कि एमएम में यानी मिलीमीटर में जो है कि मेजरमेंट करके हर चीज़ की फिटिंग वगैरह करें, यही बेहतर रहेगा। इतना काम करने में बड़ा मेहनत लगता है मेरे भाई, काफ़ी दिमाग खर्च होता है, काफ़ी मेहनत लग जाता है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए अब फिट हो गया भाई एक तरफ का, दोनों तरफ का फिट कर लेने के बाद ये नट बोल्ट देखिए अब ठीक ठीक अपनी जगह मिल गए हैं, इनको अच्छी तरीके से हमने टाइट कर लिया है। चलिए अब बाइंडर फिट करते हैं। क्योंकि अब होल्स होकर के आ गए हैं सारे,
हाँ तो अब जो है कि हम बाइंडर लगा करके टाइट कर चुके हैं अच्छे तरीके से। अब इसके बाद नंबर आता है पाटे का। इस पाटे को अपनी जगह ठीक ठीक टाइट कर लेंगे। हाँ अगर आप खुद से ये काम कर रहे हैं अपने घर पे तो बारीकियों का ध्यान तो रखना पड़ेगा, हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं डाउट हो तो रुक जाएं, फिर अच्छे तरीके से सोच समझ लेने के बाद फिर हाथ लगा लें। आइए अब इस पाटे को इसमें फिट कर देते हैं। जो जो भी हमने होल्स कराए थे नाप करके, अब नट बोल्ट के ज़रिए से उसे अच्छी तरीके से टाइट कर लेते हैं। इतना ही पार्ट फिट होने के बाद अब मशीन दिखने में थोड़ी सी अलग सी लगने लगी है। लगता है कि नहीं भाई मशीन में काम तो हुआ है। चलो अब ये पाटा एक तरह से लगा कि अब ये जो होल्स कराए हैं हमने पहले उसको चेक करके अपना नट बोल्ट लगा देते हैं। देखते हैं सही जगह आता है या नहीं। चलिए ये पहला वाला नट बोल्ट तो आ गया भाई। जब नाप करके ठीक जगह पर मार्किंग किए हैं आप तो बेशक उसमें कोई गलती नहीं हो सकती, आप उसको अच्छे तरीके से टाइट कर सकते हैं। चलिए ये नट बोल्ट भी टाइट लगा कर फिट कर दिए हैं टाइट करके। चलिए भाई ये पाटा भी हो गया रेडी। अब आप जैसा कि देख सकते हैं हम पाटा बाइंडर लगा करके फिट कर चुके हैं। ये बोल्ट देखिए बिल्कुल सही जगह आए हैं। ये आगे वाला भी एक बोल्ट हमने पाटे का टाइट कर दिया है, पीछे दो बोल्ट लगा करके छोड़ दिए, अभी टाइट नहीं किए हैं उसको। इसमें कुछ कैप डालेंगे उसको फिटिंग होने के लिए अच्छे तरीके से। अब ये देखिए अपनी जगह पर बिल्कुल सीध में है। इधर का जितना दूरी था 75 mm उतना ही दूरी हमने पीछे भी लिया है 75 mm। बाकी का पीछे वाला जो हिस्सा है उसको हमने ज्यों का त्यों रखा है अभी। अभी ये देख लीजिए नीचे के साइड से बाइंडर जो है कि ये नीचे नट बोल्ट से टाइट हो चुके हैं। ऊपर दो नट बोल्ट लगते हैं, दो नीचे, उतने में बाइंडर टाइट हो जाता है। अब ये देखिए ये एक बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, यही सही फिटिंग होता है। इधर भी देखिए सब कुछ ओके है। बिल्कुल फिट फाट हो गया है। अब मशीन धीरे धीरे करीब जा रही है कि फिट हो जाए। चलिए भाई अब इतना सारा कुछ फिट हो जाने के बाद अब पेटी को भी लगा देते हैं ताकि मशीन दिखने में और बेहतर लगे। पहले से लगे कि भाई मशीन अब सज रही है दुल्हन की तरह। पेटी को अच्छी तरीके से देखभाल के बिठाना चाहिए। क्योंकि पेटी में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट होते हैं।
अब ये देखिए बैठ नहीं रहा था तो हमें ठोक ठाक का थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है, फिर भी नहीं बैठेगा तो फिर इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। अब इसे ऊपर नीचे ऐसे उठा बिठा करके ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, बिल्कुल फ्री होना चाहिए, जाम नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये देखिए इसमें जो पनारी होती है इसी में पेटी ऊपर नीचे करती है। अब इसी में आपको बिल्कुल फ्री बिठाना है, इस तरीके से बिठाना है कि जाम न होने पाए, उठाने पे इस तरीके से आराम से उठे और आराम से नीचे की तरफ बैठ जाए। ये नट बोल्ट दिया होता है नीचे, इतना चूड़ी दिया रहता है एडजस्ट करने के लिए आपको, ताकि थोड़ा सा भी अगर कुछ दिक्कत हो, पेटी ऊंच नीच हो तो आप इसको एडजस्ट कर सकें। ये नीचे की तरफ गियर लीवर में रहता है, लीवर रहता है लीवर। बाकी सब हम आपको सेटिंग बता ही चुके हैं, मशीन का 2x2 बनाने का, पिकम्पिक में चेंज करने के लिए सारा कुछ आपको वीडियो बना करके दिखा चुके हैं। बस दिखाने का मकसद ये है कि आपको भी इत्मीनान हो जाए। उसके बाद आप ये टेपर पट्टी फिट कर लीजिए, टेपर पट्टी का भी वीडियो हम आपको दे चुके हैं किस तरीके से फिट करना है। ये देखिए ये हो गया आपका टेपर पट्टी, इधर से चेक कर लीजिए, इतना सब कुछ हो गया मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। अब आगे का प्रोसीजर देखते हैं क्या करना है। सब कुछ फिट फाट कर लेने के बाद मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, अब सूजा लटकाने का काम चल रहा है। एक आदमी ऊपर काम कर रहे हैं, बाकी तीन लोग नीचे काम कर रहे हैं। तब ये मशीन बिल्कुल रेडी होने के कगार पर है कि अब ये रेडी हो जाएगी या चलने के काबिल हो जाएगी, सारा कुछ प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं हम इसमें। अब ये देखिए सूजा लटकाने का काम चल रहा है, गुल्ला गठुआ फैलाने के बाद अब ये सूजा लटकाने का काम होता है। गठुआ फैलाने वाला हमने आपको वीडियो नहीं दिया है, बाद में कभी फिर दे देंगे, अभी तो फिलहाल यही चल रहा है सूजा लटकाने वाला काम। देख सकते हैं आप लोग किस तरह से हमारे भाई लोग काम कर रहे हैं, बड़ा मेहनत ही से बड़ा लगन से सब लोग लगे हुए हैं कि कम से कम दिन भर में तो फाइनल हो जाए। इन लोगों का काम ना भाइयों बहुत ही तारीफ के लायक है। तीन चार लोग रहते हैं, सुबह लगेंगे शाम तक आपको पूरा फाइनल करके दे देते हैं। लीजिए आपके पास है कार तो चलाइए, चालू कीजिए। ये लो भैया सूजा भी लटकाने का काम पूरा हो चुका, आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक बिल्कुल फिट फाट हो गया सूजा का काम भी। अब ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ पत्ते की, डिजाइन की, डिजाइन वाला कार्ड आ जाए उसके बाद आप चालू कर सकते हैं मशीन। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया काम किया है भाई लोगों ने, एकदम बिल्कुल चकाचक करके एकदम ओके कर दिया है। अभी जो कुछ कमियां है उसको अभी चेक कर रहे हैं, ये मत सोचना कि हम चालू कर दिए हैं मशीन,
अभी चालू नहीं हुआ, अभी डिजाइन कार्ड आएगा उसके बाद ही चालू होगा। देख सकते हैं कितना बेहतरीन काम, एकदम पूरा लुक्स ही चेंज हो गया काम का, मशीन का पूरा लुक्स ही चेंज हो गया, बिल्कुल अच्छे ढंग से सज गई मशीन लगता है बिल्कुल। देख सकते हैं आप इधर से भी, अभी जो बाकी कमियां उसे सुधार रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप भी अपने मशीन को अपने घर पे अपने हाथ से ही मॉडिफाइड कर सकते हैं, जो कुछ भी मॉडिफिकेशन करना हो आप कर सकते हैं, बिल्कुल ना घबराएं अगर आपके पास जानकारी है तो। इस तरीके से अब ये मशीन बिल्कुल चलने के काबिल हो गई है। अब जब चलने लगेगी तो उसकी भी वीडियो आपको दिखाएंगे कि अपने हाथ से मॉडिफिकेशन किया हुआ मशीन किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।